नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं आप लोगों के सामने एक नया व्लॉग लेकर के आई हूँ, बचे हुए चावलों से फ्राइड राइस बनाना एकदम सिंपल तरीके से, बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ सबसे पहले हमने कढ़ाई रखी है गैस पे, उस पर तेल डाला है, तेल हल्का गर्म हो जाए उसमें जीरा डाल देंगे, जीरा चटकने लगे थोड़ा तो उसमें उसके बाद लहसुन डालेंगे, लहसुन थोड़ा लाल हो जाए उसको अच्छे से भुनेंगे, लाल हो जाए सुनहरा लाल, उसके बाद उसमें मिर्च डालेंगे। मिर्च बहुत तीखी थी तो मैंने सिर्फ दो मिर्च डाली है, आप अपने तीखेपन के हिसाब से और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े स्लाइस में कटे हुए प्याज के लच्छे डाले हैं, फ्राइड राइस में ऐसे बड़े बड़े प्याज कटे हुए अच्छे लगते हैं, वो भुन जाए उसके बाद हरे मटर डालेंगे। यहाँ पे अभी हरे मटर का सीज़न चल रहा है जो खाने बहुत ही अच्छे लगते, टेस्टी लगते हैं फ्राइड राइस में हरे मटर खाना। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद जब वो अच्छे से भुन जाए उसके बाद उसमें टमाटर डालेंगे। यहाँ पे हमने दो टमाटर लिए हैं ताकि एकदम चटपटा फ्लेवर आए, अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको भुनेंगे। जब वो भुन जाए तो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, उसके बाद हल्दी डालेंगे। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब जरूर करें, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारे मसाले प्याज टमाटर सब मिक्स हो जाए अच्छे से, उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद उसमें बचे हुए चावल डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे सावधानी से मिक्स करें, मैं तो चला रही थी तो हल्का हल्का गिर रहा था, आप अच्छे से सावधानी से मिक्स करें ताकि वो चावल गिरे नहीं। तो गिर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत तो सभी के गिरते हैं। यहाँ पे मिक्स हो गए हैं सारे चावल आपस में अच्छे से, उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। चाहते हैं कि ऐसी और नई रेसिपी आप तक लाऊं तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। ढकने से क्या होता है, भाप से सारे चावल अच्छे से मिक्स पक जाते हैं, अंदर जूस ठंडे चावल रहते हैं फ्रिज में रखे हुए। उसके बाद हरे धनिया से गार्निशिंग कर देंगे गैस को ऑफ करके। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या उसमें कुछ और इम्प्रूव करना हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ये बचे हुए चावलों से फ्राइड राइस बनाना। और यहाँ पे सर्व किया है मैंने टोमेटो केचप के साथ, फ्राइड राइस को टोमेटो केचप के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, गर्मा गर्म आप सभी भी एंजॉय करें। खट्टी मीठी तीखी चटपटी टोमेटो केचप विद फ्राइड राइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही अगर कुछ अच्छा लगा हो या अच्छा नहीं लगा हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।